बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मेरा टॉपिक एपीसी एसआरवी 2 के वी यूपीएस उसका तारफ है। मेरे साथ रहिएगा क्योंकि हमारा मेन फोकस बोर्ड या कंट्रोल वगैरह होता है, तो मैं अब इसका बोर्ड बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये फ्रंट पे इसका डिस्प्ले लगा हुआ है और ये दो फैन है इसके अंदर। ये कंट्रोल कार्ड है, ये मेन पीएसडीआर बोर्ड है इसका, और ये इसका सीबी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये इनपुट रिसेप्टिकल है इसका, और उस साइड पे कम्युनिकेशन इसका लगा हुआ है। तो ये बोर्ड मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये कंट्रोल बोर्ड है इसका और ये मेन पीएसडीआर बोर्ड है। ये यूपीएस 4 बैटरीज के ऊपर है। मैं कंट्रोल निकाल रहा हूँ, अब आ जाएं इस बोर्ड की तरफ। ये इनपुट लाइन और इनपुट न्यूट्रल हैं। ये इसके वीडीआर लगे हुए हैं, ये फिल्टर कॉइल लगी हुई है। उसके बाद एक ये रिले लगी हुई है, एक ये रिले लगी हुई है। ये दोनों इनपुट के ऊपर हैं। ये लाइन के ऊपर ये रिले लगी हुई है और न्यूट्रल के ऊपर ये रिले लगी हुई है इनपुट के ऊपर। जब इनपुट यहाँ पर आएगी और कंट्रोल सेंस करेगा कि इनपुट आ रही है, तो उसके बाद वो इन रिले को ऑपरेट करेगा। लेकिन उससे पहले ये चार्जर है, ये चार्जर के डायोड लगे हुए हैं, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है चार्जर का। लाइन इसमें से गुजर के न्यूट्रल डायरेक्ट है इसके ऊपर, ये आ जाती है इसके ऊपर। ये D21, D31, D30 और D34, ये ब्रिज लगा हुआ है। ये इसका चार्जर पोर्शन है, यहाँ से ले के यहाँ तक। ये आप कह लें कि इधर से शुरू होता है और ये आ गया, ये इसमें नहीं है, ये बैटरी कन्वर्टर की है। इधर से ये आ गए, यहाँ इधर से यहाँ तक ये चार्जर पोर्शन है। ये इनपुट चार्जर पे डायरेक्ट आ जाती है, जबकि जो बाकी बोर्ड के ऊपर थ्रू रिले जा रही होती है। अच्छा, रिले पे आ जाएँ, ये दो रिले इनपुट की रिले आ गई, ये लाइन की, ये न्यूट्रल की, और ये जो रिले है ये स्टैटिक की और इन्वर्टर की रिले है। स्टैटिक की जो इनपुट आ रही, लाइन आ रही है, वो भी इसके ऊपर आ रही है लाइन। इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे आ रही है, बाईपास थ्रू करेगी या आप इन्वर्टर की थ्रू करेगी। ये आउटपुट न्यूट्रल है, ये आउटपुट लाइन है, ये इसका फिल्टर है। ये बैटरी है और ये बैटरी का कैपेसिटर लगा हुआ है। चार बैटरियां लगती हैं यहाँ पे, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ये वाला जो हिस्सा है इसका बैटरी कन्वर्टर का है, इधर से लेके इधर तक ये सारा बैटरी कन्वर्टर। ये कॉइलें भी इसकी, ये रेक्टिफायर है और ये कॉइलें लगी हुई हैं। ये बैटरी कन्वर्टर लगा हुआ है, ये सेंटर में जो लगे हुए हैं दो IGBT लगे हुए हैं, और ये ICU2 और U3। ये इन्वर्टर पोर्शन लगा हुआ है, ये इन्वर्टर की कोयल है, ये इन्वर्टर की सिटी है, और यहाँ पे रिले, ये आउटपुट की रिले, और यहाँ से आउटपुट, ये फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। अब PFC इसका, ये PFC है, जो PFC इसका ये लगा हुआ है, साथ CT1 इनपुट की सिटी है, जो इनपुट आ रही है लाइन इसकी सिटी है, और यहाँ से ले कर यहाँ तक ये PFC पोर्शन है। ये इसका ड्राइवर है PFC का, और ये इसकी PFC की कोयल है। ये PFC का और बैटरी कन्वर्टर दोनों का ये काम है, ये जो DC बस कैपेसिटर्स हैं इनको चार्ज करना, 360 वोल्ट के ऊपर इनको चार्ज करते हैं। ये पॉजिटिव DC और यहाँ पे नेगेटिव DC। ये वाला पोर्शन इसका है पावर सप्लाई का, लो वोल्टेज पावर सप्लाई, और ये फ़ैन की ड्राइव है। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इनपुट, ये चार्जर, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जर पोर्शन, ये बैटरी कन्वर्टर, ये सेंटर में इन्वर्टर लगा हुआ है, ये PFC इधर है, ड्राइव्स हैं, और इनकी जो है इधर आ जाएं, बैक साइड पे आ जाएं। ये इनपुट है इसकी, लाइन न्यूट्रल आ गई, यहाँ से फिल्टर हो के ये इधर डायरेक्ट आ रही है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद ये चार डायोड है, रेक्टिफायर डायोड, ये इसका चार्जर पोर्शन है यहाँ से ले कर यहाँ तक। IC चार्जर पे लगी हुई है, वो है 3843 UC3843। ये इसकी पावर सप्लाई है, लो वोल्टेज पावर सप्लाई, IC ड्राइवर, IC ये लगी हुई है, ये है UC3845, लो वोल्टेज पावर सप्लाई लगी हुई है, और
पीछे इसकी ड्राइवर आईसी लगी हुई है 3845। उसके बाद ये LM358 लगी हुई है, ये 3525 आईसी लगी हुई है, और ये LM393 आईसी लगी हुई है। ये एक पूरा जो पोर्शन है ये इसका बैटरी कन्वर्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बैटरी कन्वर्टर है, ये इसका बैटरी कन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है, और ये PFC है। ये 3843 आईसी लगी हुई है, UC3843, ये इसका PFC पोर्शन है, ये इसका इन्वर्टर पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अप टू उस साइड पे लगा हुआ है TLP350, और ये इसका बैटरी कन्वर्टर लगा हुआ है, ये इसकी पावर सप्लाई है, लो वोल्टेज पावर सप्लाई, और ये इसका चार्जर लगा हुआ है, ये भी 3843 आईसी लगी हुई है चार्जर के ऊपर। इनपुट पे दो रिले लगी हुई हैं, ये रिले लगी हुई है उसके ऊपर, हाँ एक ये रिले लगी हुई है, एक ये रिले और ये लगी है, एक न्यूट्रल की रिले लगी हुई है, एक लाइन की लगी हुई है, दोनों इकट्ठी ऑपरेट होती हैं, दोनों का ड्राइवर ये ट्रांजिस्टर है की और इन्वर्टर आउटपुट की। इसका जो ड्राइवर है वो ये वाला ऑप्शन है, इस रिले को इसने ऑपरेट करवाना होता है और इन दो रिले को इसने ऑपरेट करवाना होता है। ये दो रिले इकट्ठी ऑपरेट होंगी और ये उसकी आउटपुट की है, ये रिले, ये लाइन और न्यूट्रल सेंसिंग है ये वाली, ये रजिस्टर और ये दो दो लगे हुए हैं, ये इनपुट और न्यूट्रल को सेंस करके ये कंट्रोल पे जा रहे हैं। ये डायग्राम APC इजी UPS SRV 2KVA ऑनलाइन उसकी डायग्राम है, लाइन आ गई, न्यूट्रल आ गई, यहाँ से फिल्टर हो गया, उसके बाद रिले 3 है और रिले 3 और रिले 1 आ गई। इसका रिले 3 और रिले 1 जो है वो ये रिले 3 है और ये रिले 1 है। उसके बाद फ्यूज़ आ गया, ये नीचे फ्यूज़ लगा हुआ है, ये इनपुट पे फ्यूज़ लगा हुआ है, ये F1, ये 15 एम्पीयर है, 250 वोल्ट का फ्यूज़ लगा हुआ है ये। उसके बाद L7 कोयल है इसकी, L7 कोयल ये वाली है, ये PFC के ऊपर जो कॉयल लगी हुई है वो ये वाली है L7। उसके बाद CT1 है, ये CT1 लगी हुई है इधर, और F1 के बाद ये डायरेक्ट आ गया RY2 के ऊपर, ये RY2 लगी हुई है, Lay 2, यहाँ पे फ्यूज़ के बाद जो लाइन है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है, इन्वर्टर भी आ रहा होता है, ये Lay 2, स्टैटिक भी यहाँ, बाईपास भी यहाँ पे आ गया, और इन्वर्टर की आउटपुट भी यहाँ पे आ रही है, तो दोनों में से किसी एक को ये आगे थ्रू करेगी। उसके बाद आप आ जाएं, ये Rectifier 1 और IGBT Q1 PFC है इसका, TLP ये ड्राइवर है, U4 ड्राइवर है इसका, TLP 350 लगा हुआ है, IC इसको ड्राइव करा रही है 3843, U4 को ड्राइव करवा रही है, ये इसको स्विचिंग दे रहा है, और ये REC1, ये REC1 है, ये REC1 है, ये Q1 है, और इसको जो स्विचिंग आ रही है वो ये TLP 350 लगा हुआ है, इसका ड्राइवर है इस IGBT का, और इसको यहाँ से मिल रही है, ये IC लगी हुई है 3843 UC 3843 10 और D11, ये दो डायोड लगे हुए हैं, ये अंदर 10 है और ये D11 है, ये इसका रेक्टिफायर है, PFC का रेक्टिफायर ये लगा हुआ है, और उसके बाद ये DC बस कैपेसिटर्स हैं ये वाले, इसके बाद ये C9 और C3, ये जो दो कैपेसिटर हैं ये पॉजिटिव कैपेसिटर, C9, ये C9 लगा हुआ है और ये C3 लगा हुआ है, और बैटरी कन्वर्टर पे आ जाएं, ये 3525 लगी हुई है, ये ड्राइव करवा रही है इन IGBT जो इसके हैं, इनको ड्राइव करवा रही है IGBTs को, और इस जो ये इसका रेक्टिफायर ये लगा हुआ है, ये फिल्टर कॉइल लगी हुई है, और उसके बाद ये कैपेसिटर्स आ जाते हैं, यहाँ पे 48 वोल्ट DC यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है, F2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, उसके बाद ये बैटरी कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये TX3 लगा हुआ है, ये TX3 लगा हुआ है, ये यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये फ्यूज़ पॉजिटिव पे फ्यूज़ है, उसके बाद कैपेसिटर आ गया, और TX3 ट्रांसफार्मर 3 के ऊपर आ गए,
उसके बाद एक दो तीन चार डायोड लगे हुए हैं, एक दो तीन चार डायोड लगे हुए हैं, और L2 L3 लगी हुई है। ये L2 L3 है, ये वाली कॉयल्स फिल्टर कॉयल। उसके बाद कैपेसिटर्स के ऊपर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आ जाते हैं, इससे हो के कैपेसिटर आ गए। उसके बाद Q7 और Q8 ये इन्वर्टर है, इसका इन्वर्टर पोर्शन है, इन्वर्टर। ये PFC, ये बैटरी कन्वर्टर, ये इन्वर्टर यहाँ से लेके यहाँ तक। Q7 और Q8 लगे हुए हैं, ये Q7 और Q8 ये लगे हुए हैं इन्वर्टर के। इनकी ड्राइव इन दोनों पे जो PWM मिल रही है वो अपोजिट मिल रही है। अगर इस पर पॉजिटिव होगी इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव होगी तो इस पर पॉजिटिव। और यहाँ पे बस बनती है 360 वोल्ट, ये यहाँ -360 वोल्ट बस L6 आ गया। उसके बाद सिटी आ जाती है, ये कैपेसिटर है आउटपुट का, 10 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, कॉइल और कैपेसिटर। उसके बाद सिटी और फिर रिले पे हैं, ये रिले लगी हुई है R/2, और उसके बाद फिल्टर, ये कॉइल लगी हुई है, और यहाँ से आउटपुट है। इस रिले के ऊपर एक R/1 है, एक R/3 है। R/1 के ऊपर न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल R/1 के ऊपर आ रहा है, और लाइन आ रही है R/3 के ऊपर। इनका जो ड्राइवर है Q13 ये है, इनका मैंने आपको बता दिया था, इनका जो ड्राइवर पोर्शन है वो ये है Q13। और जो इन आउटपुट की रिले है उस पर एक स्टैटिक आर बाईपास आ रहा है, दूसरा इन्वर्टर आ रहा है वो R/2, उसका है Q12, Q12 लगा हुआ है। अब आ जाएँ चार्जर और पावर सप्लाई। जब लाइन और न्यूट्रल आ रहे होते हैं ये रेक्टी, ये फ्यूज़ F4 लगा हुआ है, उसके बाद ये लगे हुए हैं चार डायोड लगे हुए हैं। उसके बाद ये Q13 IC 3843 चार्जर, ये चार्जर पोर्शन है। ये इनपुट आ गई, जब इसकी स्विचिंग होनी है तो एक तो इन्होंने बैटरी चार्ज करनी है, ये वाली बैटरी चार्ज करनी है, दूसरा इन्होंने ये जो पावर सप्लाई है इसको इनिशियली ऑपरेट भी करवाना है। चार्जर के 54 वोल्ट बनते हैं वो, ये डायोड लगा हुआ है यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद, ये दो लगे हुए हैं 10K के, ये 5K रेजिस्टर्स हैं, यहाँ से ड्रॉप होने के बाद ये आ जाते हैं इसके ऊपर D7 के ऊपर, ये D7 है, ये दो वो लगे हुए रजिस्टर, ये सेंटर में R130 और R131 ये दो लगे हुए हैं। ये 10K है, ये भी 10K है, पैरेलल में है तो ये 5K, और ये यहाँ से 54 वोल्ट है चार्जर के, यहाँ से ड्रॉप होके D7 से होके यहाँ पे आ जाते हैं 7 नंबर पिन के ऊपर, ये डायोड है D7 से पास होके यहाँ पे इसकी VCC पे आ जाते हैं। तो उससे जब भी चार्जर ऑन होगा लो वोल्टेज पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी, जब भी इनपुट देंगे और इसका चार्जर ऑन हो जाएगा तो लो वोल्टेज पावर सप्लाई भी इसकी ऑन हो जाएगी। चलो लो वोल्टेज पावर सप्लाई चार्जर से भी ऑन हो रही होती है, और उसके अलावा एक मैनुअली जो आप बटन लगा हुआ है फ्रंट पैनल पे उससे भी ये ऑन हो रही है। इनपुट आ रही है चार्जर्स को ऑन कर देगा, या आप मैनुअली वो फ्रंट पैनल पे ऑन वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, वहाँ से भी इसको वोल्ट 13 वोल्ट मिलेंगे, सप्लाई ऑन हो जाएगी ये। और ये मुख्तलिफ वोल्टेज दे रही होती है जो कि इस बोर्ड को चाहिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा।